ये बेसिकली कार्ड है RX ठीक है 580 XFX का सदाबहार कार्ड, ये कभी पुराना नहीं होता। जो मर्जी गेम इस पे खेलें, इवन आप इस पे डूम को 2K या 4K भी खेलें ना, तो 30-40 FPS आपको देता है लो से हाई सही सेटिंग। होगा। थर्टी और एटी 3080 Ti, ये बहुत 3080 Ti अच्छी परफॉर्मेंस है, और इस प्राइस में मेरा ख्याल है इससे अच्छा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलता। क्या बात है। अगर वैसे आप गेमिंग में कितने FPS प्रोवाइड कर देगा, अगर हम लोग बात करें रेड डेड रिडेम्पशन 2 की RDR2 या में फिर आप GTA 4K पे, 5 वगैरह हाँ होगी इस मैं टाइप आपको की। बताता हूँ, रेड डेड रिडेम्पशन 2 आप 4K पे खेलेंगे ना तो आपको 100+ FPS देगा ये वाला अच्छा कार्ड। देखो क्योंकि इसमें ना आई थिंक 8000 CUDA कोर्स हैं, 38 मेरे ख्याल से टेंसर कोर्स हैं, और रे ट्रेसिंग कोर्स समवेयर अराउंड 100 हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, माय नेम इज शादेब एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार टुडे आई एम हियर एट जेस्ट्रो गेमिंग सेटअप। तो मैंने कहा यार आज की इस वीडियो में ना आपको बताते हैं जी यूज ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस। ठीक है, आपकी तरफ से काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार यूज ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस पे एक वीडियो बना दो, तो 2023 की अपडेटेड वीडियो है। ठीक है, अपडेटेड प्राइसेस इंशाल्लाह आपके शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरे साथ आज हरून भाई मौजूद है। हरून भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो अपना थोड़ा बहुत पहले ना इंट्रोडक्शन करवा दे, ठीक है, अपने सेटअप का भी और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो बता दें कि मेनली आपका काम क्या, यहाँ पे आप करते हैं, सारा कुछ बता दें। बेसिकली हमारी वेबसाइट है zestrogaming.com, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड भी है, और हम प्री बिल्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हमारी वेबसाइट में आपको ना प्री बिल्ड सिस्टम की कैटेगरीज मिलती हैं, 100,000 से लेकर अप टू 1,000,000 तक के प्री डिफाइंड पीसीज होते हैं। उसके अलावा हमारा जो फिजिकल आउटलेट है ये रावलपिंडी में 6 रोड पे मिडवे सेंटर फर्स्ट फ्लोर पर है, इलीट गेमिंग स्टोर /zestro के नेम से, और हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, अगर आपको पूरा पीसी चाहिए वो भी मिल सकता है। हमारे पास Core i9 13th generation से लेकर Core i5 10th generation तक लो एंड से हाई एंड से सारी अवेलेबल। थोड़ी बहुत कॉन्टैक्ट इन्फो बता दे, अपना नंबर वगैरह व्हाट्सएप का, या अगर आप कोई भी चीज ऑर्डर करना चाहते हैं ना, तो मेरा कॉन्टैक्ट है 0334100-7058, हारून मेरा नाम है, और उसके अलावा व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी चीज किसी चीज से भी रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हो तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। भाई आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग ग्राफिक कार्ड को कवर करेंगे, तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे पहले आप हमें बता दें। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे ना AMD के कार्ड से करेंगे, जो कि सबसे एक इंतहाई बजट और हाई परफॉर्मेंस कार्ड है, वो RX 580 8GB है, जो पाकिस्तान का बेसिकली नेशनल कार्ड है आजकल की गेमिंग के लिए, जो हर जगह पे बहुत वर्सटाइल है, हर तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दिखाएं RX 580। ये बेसिकली कार्ड है RX 580 XFX का सदाबहार कार्ड, ये कभी पुराना नहीं होता। जो मर्जी गेम इस पे खेलें, इवन आप इस पे डूम को 2K या 4K भी खेलें ना, तो 30-40 FPS आपको देता है लो से हाई सेटिंग्स पे। तो इसकी क्या प्राइसिंग होगी? ये जो कार्ड है आपको मिलेगा 27,500 का विद बिल्ड, और इसके टेम्परेचर मैक्सिमम 70s तक जाते हैं। कार्ड डेफिनेटली जो RX 580 है ये आपको पूरी मार्केट में ना नॉन माइंड बहुत ही रेयर है कहीं पे मिले, लेकिन इसकी अच्छा। जो फिजिकल कंडीशन है, अगर आप देखना चाहते हो ना कि कार्ड माइंड है या नहीं, तो इसके जो कॉपर पाइप्स होते हैं ना इनको देखना होता है। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन की वजह से ना ब्लैक या डार्क शेड में आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब होता है कि कार्ड बहुत प्रोलॉन्ग्ड हीट इस पे अप्लाई हुई है और ये बहुत ज्यादा चलता रहा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब क्या आप कहना है कि मोस्टली जो यूज में बिक रहे हैं वो माइंड ही कार्ड है? डेफिनेटली जितने भी बिक रहे हैं ना, और AMD के जितने भी कार्ड हैं, लाइक फिर कोई इशू इन फ्यूचर तो नहीं आता माइंड का? देखिए हम लोग ना दो टर्म्स यूज करते हैं, एक कार्ड ना आपको मैं अगर एक्सप्लेन करूं कि कार्ड जो अच्छे तरीके से माइंड हुआ होता है ना, उसमें होता है कि कार्ड की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हुई होती है। आपको पता है जैसे इथेरियम की माइनिंग होती थी ना एक टाइम पे, शायद लोगों को इस चीज का आइडिया ना हो, माइनिंग में आपको ना कोर को लॉक करना पड़ता है, उससे क्या होता है कि जो आपकी जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन है ना वो आपकी बहुत मिनिमल हो जाती है, और जो मेमोरी है जो अल्फा न्यूमेरिक मल्टीप्लीकेशन है वो आपकी ज्यादा हो जाती है, उससे क्या होता है कार्ड आपका 40-50 degrees पे रन हो रहा होता है ड्यूरिंग माइनिंग। और लोग ये समझते हैं कि माइनिंग पे कार्ड बहुत ज्यादा हीट होता है, वो एक ये मिथ है और इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो माइन अगर अच्छे से हुआ है ना कार्ड, तो डेफिनेटली वो गेमिंग से अच्छा कार्ड होगा। अच्छा, ये मेरा नहीं देखें जब माइनिंग बना करता तो परफॉर्मेंस तो इसकी मेनली एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही होती ज्यादा? नहीं, उसमें देखें आपकी ना ग्राफिक प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती, आपकी उसमें जो मेमोरी वाला जो प्रोफाइल है ना वो यूज हो रही होती है, जिसमें सिर्फ आपके अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा है ना वो प्रोसेस हो रहा होता है। एट द एंड से कोर भी तो प्रोसेस में यूज हो रहे होंगे ना? कोर आप बेसिकली लॉक रखते हैं। अच्छा, लॉक रखते हैं। मैं क्योंकि खुद माइनर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि कैसे माइनिंग होती है। चलें ये डिटेल कहीं और जा रही है, ठीक है तो कम होना पॉइंट। तो नेक्स्ट कार्ड कौन सा आप दिखाएंगे हमें? अब दूसरा कार्ड जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो है GTX 1660 सुपर, ये ट्रिपल फैन वाला वेरिएंट है IGM वाला, ये आपको 45,000 का मिलेगा, ट्रिपल फैन है, मैक्सिमम टेम्परेचर 60-70 degrees तक जाते हैं इसके, और इस पे इन्होंने ना एक बटन दिया हुआ है ये टर्बो ऑन ऑफ का, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि टर्बो ऑफ करते हैं तो फैंस आपके 50 डिग्रीज तक ऑफ रहेंगे और उसके बाद ऑन होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप टर्बो प्रेस करके रखेंगे तो ये होता है कि फैंस आपके ना 70-80% पे नॉर्मली चल रहे होते हैं, उससे गर्मियों में और स्टेबल FPS के लिए ना ये चीज रिकमेंडेड होती है। अच्छा, ये भी हमारी ऑडियंस को बता देंगे स्पेसिफिक किस पर्पज के लिए कार्ड यूज हो सकते हैं, लाइक जैसे भी आपने RX 580 बताया तो उसका क्या पर्पज है और इसका भी साथ बता दें। मैं दोनों को आपको ना साइड बाय साइड कंपैरिजन करके बताता हूं। AMD जो कार्ड है ना, मैं इसको कहूंगा दिस इज स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग
गेमिंग ओनली, ठीक है। लेकिन अगर आप एनवीडिया की बात करें ना, इसमें आपके पास क्यूडा कोर्स आ जाती हैं, उसके अलावा अगर आरटीएक्स में जाते हैं तो टेंसर कोर्स और रे ट्रेसिंग कोर्स आती हैं। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह भी करते हैं, अगर आपका डेवलपमेंट का काम है मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो एनवीडिया आपको ना बहुत ज्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्यूडा कोर काफी यूज हो रहा है, बिल्कुल। पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, मशीन लर्निंग के लिए आपको क्यूडा कोर्स की जरूरत पड़ती है। एएमडी अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि एनवीडिया सिंस आई थिंक लास्ट 25 ईयर्स इस फील्ड में बहुत इन डेप्थ जा चुका है। एएमडी ने अभी गेमिंग से हट के ना, मतलब डेवलपमेंट पे आरडीएनए आर्किटेक्चर यूज किया है, लेकिन अभी बहुत वो स्टार्टिंग में फेज में है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डेवलपमेंट में। तो एनवीडिया आपको ना ज्यादा अच्छी डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। सही हो गया, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट कार्ड। अगले कार्ड की तरफ अब हम चलते हैं। ये है RTX 2060। लास्ट वाले की आपने प्राइस नहीं बताई, प्राइस बता दें। मैंने बताई थी इसकी 45,000 रुपीस प्राइस है, ट्रिपल फैन वेरिएंट की। सही होगा। इसमें आपको ना और वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे अगर आप Zotac में लेंगे वो भी सेम प्राइस में मिलेगा, सिंस दिस इज आई कैफे, ये कितना ज्यादा मशहूर वेरियंट नहीं है, इसकी प्राइस थोड़ी जनरली लो है, ठीक है। अब दूसरे पे हम आते हैं MSI Ventus का 2060 सुपर, 8GB वाला कार्ड है। इसमें 1920 क्यूडा कोर्स है, यानी कि इस पे आप 2K पे काफी ज्यादा गेम्स ना हाई सेटिंग्स पर आराम से खेल सकते हैं। सही हो गया। अगर आपने रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेलनी है 4K पे, तो आपको ना लो से मीडियम सेटिंग्स पे आपको ये 60 FPS आराम से देगा। अच्छा। हाँ, इसमें आती हैं 3 DP पोर्ट्स हैं, एक HDMI है, 4 मॉनिटर्स का आप डिस्प्ले लगा सकते हैं इसके साथ, ठीक हो गया। बाकी इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 64-65 डिग्री तक जाते हैं। MSI Ventus का ये होता है कि लाइक श्राउड इतना कोई फैंसी नहीं बना होता, लेकिन इसकी जो हीट सिंक अगर आप देखें, उसकी थिकनेस देखें हीट सिंक की, वो काफी अच्छी है, और एयर फ्लो भी बहुत अच्छा है, और टेम्परेचर इसमें आपको ना काफी अच्छे मिल रहे होते हैं। ये कार्ड का पूरा आर्किटेक्चर है। बाकी इसकी फाइनल प्राइस क्या हो जाएगी? इसकी जो फाइनल प्राइस है वो आपको ये विद बिल्ड मिलेगा 65,000 का। कार्ड बहुत जेन्युइनली ब्रांड न्यू कंडीशन में है। इसके अलावा आपके पास अगर न्यू में आप जाना चाहते हैं ना कैटेगरी में, ये हमारी बजट कैटेगरी आ रही थी, आपको मैं न्यू में भी अभी साथ गो थ्रू करवाता हूं। सही हो गया। अच्छा, ये मुझे बताएं, अगर कोई ठीक है व्यूअर से इंडिविजुअल कार्ड रिक्वायर्ड है, सो आप उसे इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, फिर ओनली बिल्ड के साथ ही आप सेल करते हैं? हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम बिल्ड के साथ दें, क्योंकि पूरी मार्केट में जो यूज्ड कार्ड है ना, आपको 1 वीक की चेक वारंटी से ज्यादा कहीं नहीं मिलता, लेकिन हमारे जितने भी न्यू ये यूज्ड कार्ड्स है ना, हम पूरी बिल्ड के साथ 1 महीने की चेक वारंटी देते हैं, जो कि कोई भी नहीं देता। वैसे पॉसिबल है यूज में, अगर आप लेगा तो इंडिविजुअली आप उसे दे देंगे डेफिनेटली देंगे, लेकिन थोड़ी सी प्राइस डिफरेंट होती है। सही होगा, मैं समझ गया। क्लाइंट के एडवांटेज के लिए हम करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है बिल्ड में थोड़ा डिस्काउंट उसे मिल जाएगा, बिल्ड में डिस्काउंट, प्लस हमें पता होता है कि हम सप्लाई कौन सी लगा रहे हैं, हम ब्रांड न्यू चीजें लगा रहे होते हैं, हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब कि कंपैटिबिलिटी होती है सारे कंपोनेंट्स की। डेफिनेटली सही होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट कार्ड। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कार्ड, व्हिच इज आई थिंक वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स सम यूज्ड कार्ड एंड देन टुवर्ड्स द न्यू कार्ड। अब हमारे पास आता है AMD का 6600 XT और AMD 6600। ये इस वक्त अगर कोई गेमर है और उसके इतना डेवलपमेंट का उसको शौक नहीं है, तो ये कार्ड्स आपको RTX 3060 जितनी परफॉर्मेंस देते हैं। 3060 जो डुअल फैन वाला वेरिएंट है ना XFX का, ये कहलाता है, इसका एक स्पेसिफिक मॉडल होता है, खैर दिस इज RX 6600 डुअल फैन। ये जो XFX है RX 6600, इसका अगर मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूं RTX 2060 सुपर से, जो कि 65,000 आपको कॉस्ट करता है, तो ये कार्ड आपको मिल जाएगा अराउंड 55,000 से 57,000 रुपीज का। लेकिन आपके पास एक लिमिटेशन आ जाती है, वो ये है कि आप अगर V-Ray वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, 3D Max यूज करते हैं, फिर अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आपने VFX डिजाइनिंग करनी है, तो आपको AMD में कुछ प्रॉब्लम्स फेस होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर तो सपोर्टेड ही नहीं होते AMD पे जो डेवलपमेंट वाले हैं, तो इस वजह से इनकी प्राइस भी लो है और आफ्टर मार्केट वैल्यू भी लो है। लेकिन गेमिंग वाइज इसकी परफॉर्मेंस RTX 2060 सुपर के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, मतलब कि स्पेसिफिक गेमर्स के लिए कार्ड अच्छा है, दिस इज ओनली प्राइसिंग भी अच्छी है। और उसके बाद अगर मैं आऊं 6600 XT की तरफ, ये वाला कार्ड 8GB में आता है, यूज में मिलेगा या न्यू में? ये यूज में इसकी प्राइस है 65,000 और ये समवेयर स्टैंड करता है RTX 3060 Ti और 3060 के दरमियान, यानी कि इस पे आपका जो 4K की गेमिंग है वो भी बड़ी जबरदस्त, 3060 से थोड़ी सी बेहतर होगी और 3060 Ti से थोड़ी सी कम होगी। और अगर आप 3060 Ti यूज में लेते हैं ना ये वाला कार्ड, ये आपको कॉस्ट करता है राइट नाउ 80,000 से 90,000 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियंट एंड अपॉन द अवेलेबिलिटी और उसकी कंडीशन, ये कार्ड आपको मिल जाते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो के सेकंड फेज में, जिसमें हम आपको न्यू कार्ड्स का बताएंगे कि कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये तो सारे कार्ड्स आपके हो गए यूज्ड वाले, और हाँ मैं दो कार्ड्स और मेंशन करता चलूं। 3080 Ti मेरे पास राइट नाउ यूज में है भी अवेलेबल, जिसमें ये है मनली का RTX 3080 Ti। कितने GB है ये? ये है 12GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, और इस कार्ड की जो स्पेशलिटी है ये है कि इसके जो श्राउड है वो बहुत जबरदस्त बना हुआ है, और इसके टेम्परेचर 70 डिग्री से फर्मवेयर पे ऊपर नहीं जाते, 8 से 10 मिनट का फर्मवेयर भी रन करके देखा है, ट्रिपल फैन कार्ड है, श्राउड बहुत ही लो क्वालिटी बना हुआ है। लेकिन ये कार्ड्स Tier C में आते हैं,
और चाइनीज कंपनी है, सिर्फ अगर आप इसमें बात करें ना परफॉर्मेंस की, वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर रहे हैं ओवर द कॉस्ट ऑफ एस्थेटिक्स। शक्ल इसकी बहुत ही वियर्ड है, मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन कार्ड ओवरऑल अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। हां डेफिनेटली ऐसा होता है। तो ये कार्ड आपको कॉस्ट करेगा 1,55,000 रुपीज, 3080 TI। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और इस प्राइस में मेरा ख्याल है इससे अच्छा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलता। क्या बात है। अगर वैसे गेमिंग में कितने FPS प्रोवाइड कर देगा, अगर हम लोग बात करें Red Dead Redemption 2 की या फिर GTA 5 वगैरह होगी इस टाइप की। बताता हूं, Red Dead Redemption 2 आप 4K पे खेलेंगे ना तो आपको 100+ FPS देगा। अच्छा, क्योंकि इसमें ना आई थिंक 8000 CUDA कोर्स हैं, 38 मेरे ख्याल से टेंसर कोर्स हैं और रेट ट्रेसिंग कोर्स समवेयर अराउंड 100 हैं। और ये होता भी 384 बिट है या 392 बिट रेट होता है इसका। अगर आप इसका कंपैरिजन करें RTX 4070 Ti के साथ, मेरे पास वो कार्ड्स भी बाय द वे अवेलेबल है रेडी स्टॉक में, आपको वो भी दिखाता चलूं। हाँ, उनकी प्राइसिंग भी बता दें साथ साथ। बिल्कुल बता देता हूँ, RTX 4070 Ti इसके साथ रिकमेंडेड प्रोसेसर है कोर i9 13 जनरेशन का। तो ये वाला जो कार्ड है और RTX 3080 Ti जो कार्ड है, दोनों में 19-20 का परफॉर्मेंस का डिफरेंस है और ये ब्रांड न्यू आपको कॉस्ट करेगा 2,95,000। ये OC एडिशन है, ट्रिनिटी है, ट्रिपल फैन वाला वेरिएंट है। एग्जैक्टली 2,95,000। अब मैं एक और कार्ड भी बताता हूँ, RTX 3080 भी हमारे पास रेडी स्टॉक में अवेलेबल है, जो कि ये भी ट्रिनिटी OC एडिशन है, ये आपको कॉस्ट करेगा 3,90,000। ये 16 GB में आता है। और अच्छा, एक और चीज बता दें, ये जो आप प्राइसिंग सारी बता रहे हैं, दिस इज द फाइनल प्राइसिंग या फिर ऑन द स्पॉट आपको और डिस्काउंट हो जाएगा? ऑन द स्पॉट इंशाल्लाह हम आपको और इसमें डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे, आप जब आएंगे पीसी, सही हो गया, पीसी जब बिल्ड आप करेंगे फिर ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, तब आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। सही हो गया। तो 4080 हो गया, तो अभी और कार्ड पड़े हैं फिर वाइंड अप करें अभी के लिए। अब जो न्यू कार्ड है सिर्फ उनका मैं आपको बताऊंगा, जो बजट कार्ड आते हैं ना जो 3 लाख के बिल्ड्स में हमारे लगा के देते हैं जनरली, उसमें एक हमारे पास आता है RTX 3060। ये 12 GB वाला कार्ड है, हमारे डेवलपर्स बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसकी VRAM ज्यादा है और VFX डिजाइनिंग और हर तरह के कामों के लिए ना, ये रेंडरिंग वगैरह के पर्पजेस के लिए बहुत एक्सेलेंट है। ये आपको नया कॉस्ट करेगा 1,05,000 और 1 साल की वारंटी इसकी होती है। इसी तरह दूसरा RTX 3060 Ti 1,25,000 आपको कॉस्ट करेगा, ये लेकिन 8 GB में आता है। ये परफॉर्मेंस उसकी VRAM ज्यादा है, गेमिंग वाइज ये ज्यादा अच्छा है उससे, लेकिन रेंडरिंग वाइज VRAM कम होने की वजह से ना ये थोड़ा सा स्लो। एग्जैक्टली, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, VRAM कम हो तो वो फिर स्टटर करता है, बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली, तो ये थे हमारे कुछ कार्ड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने ये कार्ड ऑर्डर करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके प्री बिल्ड सिस्टम के साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं और मेरे नंबर पे 0334100058 पे डायरेक्टली कॉल करके ये कोई भी कार्ड आप बुक करवा सकते हैं। अच्छा, मेन स्पेसिफिक आपका PC बिल्ड्स का काम है, थोड़ा अपने ऑडियंस को बता दें। हमारा जो मेन पर्पज होता है ना कि हम पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करें, हमारा सिंगल पार्ट पे इतना फोकस नहीं होता। तो आप अगर हमारे रिव्यूज भी देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5-स्टार रेटिंग है और 1,000+ सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं और उसके अलावा हमारी जो वारंटी वगैरह के प्रोसीजर्स हैं वो भी बहुत सिंपल है और उसके अलावा 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। हमारे टेक्निकल असिस्टेंट आपको रात के 4 बजे भी कोई मसला आएगा ना, और काफी ट्रस्टेबल बंदे भी लग रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट और बाकी सारे जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, इनकी वेबसाइट को भी मेंशन कर दूंगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये मुझे बताएं कि आपका डिलीवरी का क्या प्रोसीजर होता है, पहले आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी है? कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं प्रोवाइड करते, हमारा 100% अपफ्रंट पेमेंट होता है, फिर हम पार्ट्स अपने सारे डिलीवर करते हैं। उसके अलावा हम पैकेजिंग वगैरह पे बड़ा फोकस होता है कि इंशाल्लाह आपको जो भी पार्ट्स हम दे रहे होंगे ना बहुत अच्छी पैकेजिंग होगी, डैमेज कोई नहीं होगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, हमने एक डिलीवरी UK में की थी, लंदन में रिसीव हुई है। अच्छा। तो माशाल्लाह वो भी क्लाइंट बड़े खुश हैं, जिस तरह की पैकिंग हमने करके भेजी, उनको फुली इंटैक्ट PC मिला जो कि UK में 4 लाख कॉस्ट कर रहा था, हमने उनको 3,30,000 में वो सेम सिस्टम बना के दिया था। सही, मुझे बता दें कि आप टोटल सारी अमाउंट एडवांस लेते हैं फिर कुछ टोकन पेमेंट होती है आपकी? मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। जब हमारे एक तो व्हाट्सएप पे जब हमारी डील क्लाइंट से डन होती है ना, तो हम उससे टोकन पेमेंट लेते हैं, लेट से 2.5 लाख का बिल्ड है तो उससे हम 5,000 रुपए ना बुकिंग ले लेते हैं। तो अच्छा। उसका सारा हार्डवेयर हम फिर टेबल पे रख के उनको वीडियोस बना के भेजते हैं कि ये आपकी बिल्ड है और ये आपका PC ऐसे असेंबल होगा। टोकन होगा वो डिपेंड करेगा उसकी बजट पे PC के या फिर मतलब कि आपका 5,000 फिक्स है? टोकन बेसिकली आपका एक तरह से बयाना होता है, आपका हार्डवेयर सारा हमने रिजर्व कर दिया है। उसके बाद आपसे हम 50% तक की पेमेंट लेंगे, फिर आपकी बिल्ड
डिसेंबल हो जाएगी सारी और उसके बाद डिलीवर करने से पहले रिमेनिंग 50% लेंगे, तो हमारे तीन स्टेप्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम करते हैं, कस्टमर भी खुश रहता है और हमारे लिए भी उसमें आसानी होती है। सही हो गया। तो यार बाकी इनके पास और भी काफी ग्राफिक कार्ड पड़े हुए थे लेकिन आई थिंक वो थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, तो वैसे भी हम आपको शो नहीं कर सके। बाकी यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट देम एज वेल, तो जो भी आपको कार्ड रिक्वायर्ड होगा वो आपको अवेलेबल कर देंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस वीडियो में। दिस इज शाहदेव साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।